वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना। साथियों, भारत इंग्लैंड के बीच जारी T20 सीरीज नतीजे से एक मैच दूर है, लेकिन T20 में टीम के कमाल के प्रदर्शन के बाद भारत की वनडे टीम का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले वनडे सीरीज के लिए भारत ने 18 सदस्यों के दल का ऐलान किया है। इस टीम में एक प्रसिद्ध कृष्णा एक नया चेहरा बनकर आए हैं, जबकि सूर्य कुमार यादव को T20 टीम में कमाल का प्रदर्शन करने का इनाम वनडे टीम में शामिल करके दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह वनडे टीम में भी वापसी नहीं कर रहे, जबकि हार्दिक के साथ कृणाल पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ वनडे टीम में कमाल करते दिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भले ही भारत ने शॉर्टर फॉर्मेट और टेस्ट सीरीज में खिलाड़ियों को आराम दिया हो, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट के बाद T20 और अब वनडे में भी भारत पूरी ताकत के साथ उतरेगा। गाइज, हम आपको बता दें, विराट कोहली वनडे सीरीज में टीम कप्तानी करेंगे, जबकि रोहित शर्मा बतौर उप कप्तान उनके हेल्पर के रूप में नजर आएंगे। T20 सीरीज में भले ही धवन को एक मैच के बाद रेस्ट दे दिया गया हो, लेकिन वनडे सीरीज के लिए उन पर भरोसा बरकरार रखा है। रोहित और धवन के अलावा शुभमन गिल टीम के तीसरे ओपनर होंगे। मिडिल ऑर्डर में कप्तान विराट कोहली के अलावा श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल मौजूद रहेंगे। बतौर विकेट कीपर ऋषभ पंत फिर से वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ खास नहीं कर पाने की वजह से संजू सैमसन की T20 के बाद वनडे टीम से भी छुट्टी हो गई है। हार्दिक, कृणाल और वॉशिंगटन सुंदर टीम के पास 3 ऑलराउंडर प्लेयर्स होंगे। तेज गेंदबाजी में कर्नाटक के 25 साल के कृष्णा एक नया चेहरा शामिल किए गए हैं। उनके अलावा टी नटराजन एक बार फिर से फिट होकर वनडे सीरीज से वापसी कर रहे हैं। उन दोनों के अलावा भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर टीम में बने रहेंगे। तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह वनडे टीम में भी नहीं जुड़ेंगे, जबकि मोहम्मद शमी अभी पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव टीम की जिम्मेदारी निभाएंगे। तो साथियों, ये सूर्य कुमार यादव के लिए एक बहुत ही खुश कर देने वाली बात है कि उन्हें अपने कल के परफॉर्मेंस को देखते हुए वनडे टीम में जगह मिल गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोज़ स्टे कनेक्टेड।